हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BBMK के यूजी सेमेस्टर 6 जिसका सेशन 2019 से 2022 के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उन स्टूडेंट का रिजल्ट हो जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत दिनों से जो है कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब पहले थोड़ी देर पहले जो है कि लगभग 4 बजे के लगभग आपका जो है कि कॉमर्स का रिजल्ट दे दिया गया था, बट अब जो है कि आर्ट्स और साइंस दोनों का रिजल्ट दे दिया गया है। तो किस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को चेक करेंगे मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और एक जरूरी बात है, अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डायरेक्ट इस पेज का जो है कि डायरेक्ट लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से जाकर आप आसानी से चेक कर पाएंगे। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइनल आपको BBMK के जो ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें आपको आने के बाद आपको स्क्रॉल करना होगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना होगा, अगर इस प्रकार से अगर हो जाता है तो, अगर नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट लिंक से ही आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या करना है, आपको चलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट लिंक से आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको देखना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको डायरेक्ट लिंक से इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या करना है, टाइप यहाँ पर कोर्स आपको सेलेक्ट करना है UG, यहाँ पर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, क्या सेमेस्टर 6। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप आर्ट्स का देखना चाहते हैं आर्ट्स, कॉमर्स का देखना चाहते हैं कॉमर्स, साइंस का देखना चाहते हैं साइंस का। ठीक है, यहाँ पर आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना होगा। तो चलिए मैं आप लोग एक स्टूडेंट का रोल नंबर डाल के अभी आपको दिखा देते हैं, उस स्टूडेंट का जो है आर्ट्स का स्टूडेंट है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट का रिजल्ट ये भी यहाँ पर चेक कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, नाम यहाँ पर रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका नंबर वगैरह दिया रहेगा, यहाँ पर ऑनर्स टोटल के यहाँ पर आपका दिया गया है कि 18 में से आपको इतना लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल, यहाँ पर CGPA यहाँ पर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के बाद आपका किस कैसा इंटरफेस आएगा मैं आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं आपको इस प्रकार सा इंटरफेस शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सेमेस्टर 6 का दिया गया 19-22 का सेशन है, आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा इसका इंटरफेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है आपको सेम इसी प्रकार से आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर आर्ट्स का अभी तक नहीं आया हुआ है, साइंस का अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक, अब जो है कि फाइनली सभी का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।